السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاهر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات یہ ہماری تیسری تقریر ہے اس سورہ کی تفسیر کے سلسلے میں. اور وضاحت کے ساتھ یہ پہلے دن عرض کیا گیا تھا کہ سلسلے نزول میں سورہ کوثر 15th سورہ ہے. اور پہلے سورے سے لے کر یعنی سورہ علق یا سورہ اقرا سے لے کر اس سورے تک مسلسل ختمی مرتبت کی وحی ربانی میں ایسی تعریف کی گئی ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سب عنایات اس بات کے منتظر نہ تھے کہ پیغمبر اسلام اپنی مکی یا مدنی زندگی میں صلحوں میں جنگ میں مواعظ میں بشارات میں نظارت میں خدمتوں کو بجا لانے کے بعد وہ مستحق قرار دیے جائیں, بلکہ ابھی کام شروع نہیں ہوا تھا نبوت کا کہ سورے پر سورہ پیغمبر کا قصیدہ بن کر آیا. ابتدائی سورے جس میں 11th سورہ سورہ والضحیٰ 11th اور 12th سورہ سورہ الم نشرح. اور
13वां सूरा सूरह वलासर है शान नजूल के एतबार से, और 14वां सूरा वलादियात और 15वां सूरा सूरह कौसर, ये उसका सिलसिला है। मुसलसल दो सूरे आए हैं, 11वां और 12वां सूरा वज़ुहा और अलम नशरा, जो मुकम्मल सूरा तारीफ में है खत्मी मर्तबत की। सुबह की कसम जब वो रोशन हो, रात की कसम जब वो छा जाए, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने कभी तुझको तन्हा छोड़ा ही नहीं और न कभी वो तुझसे नाराज हुआ। वो तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ और उसने कभी तुझको तन्हा नहीं छोड़ा। यानी अगर परवरदिगार किसी बंदे को तन्हा न छोड़े तो न इम्कान गफलत है, न इम्कान सहो है, न इम्कान खता है, न इम्कान कोताही है। और इसी सूरे में यह भी वजाहत कर दी कि इनायतों का हाल क्या था। इरशाद हुआ कि अंजाम आगाज से बेहतर है, वलल आखिरतु खैरुन लका मिन अलूला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ हबीब, इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। यानी अभी आगाज नहीं हुआ है काम का, अभी सही माना में वो खिदमतें जो आने वाले जमाने के लिए वक्फ हैं उसका अभी अंदाजा उम्मत नहीं कर सकी है, मगर तारीफ ये हो रही है कि इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। फिर इनायतों को सिर्फ नबुव्वत की हद तक महदूद नहीं किया। अलम यजिद का यतीमन फावा, जब आप बच्चे थे तो उस वक्त क्या हमने आपकी परवरिश नहीं की। देखिए नबूवत से अब मुताल्लक नहीं रहा, अब तो बचपन का जमाना आया। अलम यजिद का यतीमन फावा, जब आप यतीम थे तो क्या हमने आपकी सरपरस्ती नहीं की। ये इब्तदाई वही इब्तदाई आयात, और ये वो मंजिल है कि तीन मकामात काबिल जिक्र हैं और वो मकामात ये हैं कि क्या हमने आपकी निगहदाश्त नहीं की जब आप यतीम थे, बाप का साया जब सर से उठा है तो आम तारीखों के एतबार से खत्मी मर्तबत को की विलादत के लिए कुछ महीने बाकी थे, और जब मदर ग्रामी का इंतकाल हुआ है तो खत्मी मर्तबत का सिन या 5 साल का था या 8 साल का था, 5 साल का था। जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ है तो खत्मी मर्तबत का सिन 8 वर्ष का। बाप मां दादा सब हट गए और खुदावंद अली आला पूछता है कि जब आप यतीम थे तो क्या आपकी हमने निगहदाश्त नहीं की। अलम यजिद का यतीमन फावा, तो यही वो आयत है आगाज वही में कि जिससे ये पता चलता है कि जिस किसी को खुदावंद आलम ने पैगंबर की निगहदाश्त के लिए चुन लिया था उसकी निगरानी सही माना में वो खुदा की निगरानी थी। कि
जिस किसी को चुन लिया होगा निगरानी के लिए इतना भरोसा था, इतना भरोसा था उसकी निगरानी पर। अब इस मकाम पे आपके पास ताज कंपनी का तर्जमा है कुरान का, और शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस का तर्जमा, उन्होंने इस सूरे के फुटनोट पे लिखा कि ये इशारा है हजरत अबू तालिब की तरफ, ये इशारा है हजरत अबू तालिब की तरफ, आपके चचा की तरफ, कि जिसने आपकी निगरानी की। मैं इस इशारे को वाकई समझना चाहता हूं कि इस तरह से जो इशारा किया जाए कि वो निगरानी उन्होंने नहीं की, हमने की, हमने की, तो कब से निगरानी शुरू हुई? जबकि वो यतीम हुए। और वो निगरानी कब तक थी? यानी नबुव्वत मिलने तक का जमाना, नबुव्वत के बाद का जमाना, यहां तक कि हिजरत से एक साल पहले इंतकाल हुआ अबू तालिब का। इतना तवील अरसा है निगरानी का, इतना तवील अरसा है निगरानी का। और खुदावंद अली आला ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की, अलम यजित का यतीमन पावा। और दूसरी मंजिल जो थी वो ये कि वजद का आयलन फागना, तुम कस्मा पुरसी के आलम में थे, बजाहिर दुनियावी एतबार से फकर व फाके किसी कैफियत थी, हमने तुमको दौलतमंद कर दिया। तो वहां फुटनोट पर उनको उन्होंने लिखा कि याने जनाब खतीजा से शादी, जनाब खतीजा से पैगंबर की शादी हुई, इस तरह से दौलत आई। तो अब आप नबूवत के आगाज में देखिए कि जब तक अफराद का तारुफ नहीं होता, जब तक अफराद का तारुफ नहीं होता, नबी की तारीफ मुकम्मल नहीं समझी जाती है। और ये बतलाया जाता है कि बीवी मिली, माल मिला, चचा आए, निगरानी शुरू। और इसके साथ ही दूसरा सूरा कि जिसके लिए मासूम ने कहा कि जो कोई वज़ुहा नमाज में पढ़े वो अलम नशरह भी उसके साथ पढ़े। दोनों सूरों को मिला के पढ़ना चाहिए, एक सूरे से नमाज नहीं होती है, इसलिए दोनों को साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मानी के एतबार से, मतालिब के एतबार से सूरे मुसलसल हैं। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तेरे सीने को नहीं खोल दिया? वो वज़ना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, और वो बोझ के जिससे तुझ पर गरानी पैदा हो चली थी, क्या हमने उसको नहीं हटा दिया? और फर्द का तारुफ हो रहा है, वह अबू तालिब का तस्किरा था, खतीजा का तस्किरा था, अब यह तस्किरा है कि क्या हमने तुझसे उस गरानी को दूर नहीं किया। आप इसको इस तरह से समझेंगे कि सूरह ताहा में हजरत मूसा यही दुआ करते हैं, और दुआएं करते हैं रब्बिशरहली सदरी वो यस्सिरली अमरी, परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली, मेरी जबान की गिरह को खोल दे ताकि वो मेरी बातों को समझें, वजअली वजीरम मिन अहली हारून अक़िश्तुत बिही अज़री। ये है वो वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी, और परवरदिगार मेरे अहल में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए, ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए और मैं आसानी महसूस करूं। लक़द उतीत सुअलक या मूसा, मूसा तुम्हारी बातों को हमने कबूल किया, तुम्हारे सवाल को हमने पसंद किया और कबूल किया।
अब इरशाद होता है, क्या हमने तुम्हारे सीने को नहीं खोल दिया, क्या हमने तुम्हारे बोझ को हल्का नहीं किया, तो यकीनन यहां कोई शख्सियत ऐसी आ रही है फिर कि जिसकी बिना पर ये बोझ कम हुआ है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था इस सूरह कौसर की तफसीर के मबादियात में कि जहां हमने बहुत सी बातों को अब तक तमहीर में पेश किया है, वो ये कि अगर शान नुजूल के एतबार से इससे पहले सूरे आप देखते आएंगे तो पता चलेगा कि इनायत पर इनायत, एहसान पर एहसान, और फिर ये तस्करा कि हमने ये भी दिया ये भी दिया, तुझको इस तरह से नवाजा, तुझको इस तरह से सरफराज किया, वो रफाना लका जिक्रक, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। यानी अभी कारोबार नबूवत खत्म नहीं हुआ, ये सब इब्तदा ही में है। तो ये वो मंजिल थी कि जहां मुसलमान राइटर्स ने, लिखने वालों ने बड़ी वजाहत के साथ लिख दिया कि इस सूरे से मुराद ये है कि आगाज नबूवत में एक फरिश्ता आया और उसने पैगंबर का सीना चाक करके दिल को निकाल के उसमें एक सियाह नुक्ता था उसको दूर किया, और जब वो दूर कर दिया तो आयत आई अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरे सीने को नहीं खोल दिया। तो इनकी निगाहों में शरह सदर के माने हैं सीने को चाक करना, सीने को चाक करना। मगर ये कुरान को मुसलसल पढ़ें तो इनको मालूम हो कि कुरान मजीद में 5 मरतबा शरह सदर का तस्करा है, कुल 5 मरतबा शरह सदर का तस्करा है। और अगर ये तय पा जाए कि शरह सदर के माने सीने को चाक करने के हैं तो आगे चल के जो दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी उसको अब आप संभाल लें, इसलिए कि आपने ये तय किया है कि सीने को चाक करना पड़ता है शरह सदर के लिए। चुनाचे पहली आयत सूरह नहल की, सूरह नहल में इरशाद हुआ मैं युरिद अल्लाह अन यहदियहु। जब खुदा इरादा करता है कि वो किसी की हिदायत करे, यशरह सदरहू लिल इस्लाम, तो इस्लाम से उसके सीने को खोल देता है। तो अब जितने हिदायत याफ्ता मुसलमान हैं सब के सीनों को चाक किया गया होगा, सब के सीनों से वो सियाह नुक्तों को निकाला गया होगा। मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, खुदावंद अली आला जिसकी हिदायत का इरादा करता है उसके सीने को इस्लाम से खोल देता। और दूसरी जगह पर इरशाद हुआ वमन यकफुर बिल्लाह मिन बादे ईमाने, जो काफिर हो जाए ईमान के बाद, वमन यकफुर बिल्लाह मिन बादे ईमाने, ये 16वां सूरा, जो काफिर हो जाए अल्लाह पर ईमान के बाद, वो मैं यकफुर बिल्लाह मिन बादे ईमाने। तो इरशाद हुआ के इल्ला मन उकरेहा वो कल्बहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, मगर ही के अगर कोई मजबूरी के आलम में ऐसी कुफर की बात कर दे मगर दिल में ईमान हो तो हम तो उसको अच्छा समझते हैं।
कोई मजबूर हो जाए जबान से कुफर कह दे दिल में ईमान हो तो और बात है। वलाकिन मन शरहा सदरहू बिल कुफर فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لیکن جس کا شرح صدر ہی کفر کے ساتھ ہو جس کا سینہ ہی کفر کے ساتھ کھلے تو اس پہ عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے اور اس کے لیے غضب الہی۔ پہلا سورہ جس کا حوالہ دیا گیا علم نشرہ ہے، دوسری آیت جو پڑھی گئی سورہ انعام سے ہے چھٹا سورہ، تیسری آیت پڑھی گئی سولہویں سورے سے سورہ نحل، کہ جو کافر ہو جائے مگر یہ کہ اس کے دل میں ایمان تو وہ قابل رحم ہے قابل معافی، مگر جس نے خود شرح صدر کیا ہو کفر کے ساتھ۔ ولیکن من شرح صدرہ بالکفر، کہ جس نے کفر کے ساتھ شرح صدر کیا ہو تو اس پہ ہمارا غضب ہے۔ تو اب جتنے کافر ہیں ان کا بھی سینہ چاک ہو، کیونکہ ان کا بھی سینہ کھلتا ہے۔ دیکھیے عجیب بحث چھڑ گئی ہے، فقط اسلام ہی کے لیے سینہ نہیں کھلتا، کفر کے لیے بھی شرح صدر ہے، اسلام کے لیے بھی شرح صدر ہے۔ اور مجھے اس نسبت سے آپ معاف کریں مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، خاتم النبیین کے لیے بھی شرح صدر ہے۔ تو اب کچھ مدارج اگر سمجھ میں آئے تو شرح صدر بھی سمجھ میں آئے، ورنہ کھولنے کے معنی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ آپریشن کیا گیا، کاٹا گیا، اس کو چاک کیا گیا، اس میں سے کالے نقطے کو نکالا گیا، بڑا عجیب ہوگا۔ یعنی جہاں کفر ڈال رہے ہیں وہاں بھی چاک کرنا ہے، جہاں اسلام ڈال رہے ہیں سینے میں وہاں بھی چاک کرنا ہے، جہاں نبوت ڈال رہے ہیں وہاں بھی چاک کرنا ہے، تو سارے انسانوں کے سینے چاک کرتے کرتے ملائکہ کا حال کیا ہو جائے گا؟ تو شرح صدر اسلام کے ساتھ بھی ہے، شرح صدر کفر کے ساتھ۔ اب یہ شرح صدر کیا چیز، شرح صدر کیا چیز، اب اس کے لیے چوتھی آئے۔ میں نے کہا نا پانچ مقام پہ تذکرہ، چوتھی آئے ارشاد ہوا، اپمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کو خداوند علی اعلی شرح صدر کرتا ہے اسلام کے ساتھ، رب سے ایک نور آتا ہے سینے پر۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب یہ سمجھ میں آیا کہ صدر کے معنی سینہ، سینے کے معنی آئینہ۔ اگر کفر کے مقابل میں آ گیا تاریخ ہو گیا، ایمان کے مقابل میں آ گیا روشن ہو گیا۔ صدر سینہ ہے، صدر سینہ ہے، سینہ آئینہ ہے۔ زنگ آلود ہو گیا تو ظاہر ہے اس نے نور کی شعاؤں کو منعکس نہیں کیا، اور اگر کفر کے مقابل میں آیا اندھیرا ہو گیا، نور کے مقابل میں آیا روشنی ہو گئی۔ یہ ہے شرح صدر۔ تو شرح صدر پیغمبر یہ ہے کہ پیغمبر یہ کہے وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ حیات رب العالمین کی طرف ہے۔ اس لیے پیغمبر کے لیے شرح صدر ہے کہ جس آن متوجہ ہو جائیں خالق کا نور ہے، اور امت کے لیے شرح صدر یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہ اپنے سینوں کو کھولنا چاہتے ہوں تو ان کا سینہ آئینہ بن جائے ان بندگان حق کے لیے جو نمائندہ مرضی الہی ہو اور جن کی محبت ایمان ہو۔ بڑی عجیب گفتگو ہے۔ اگر مسلمان شرح صدر چاہتے ہیں تو وہ صدر بھی افراد کے ساتھ ہے۔ یعنی بحث یہ ہے شروع سے کہ جو پیغمبر کا تعارف ہوا تو بھی افراد کا تذکرہ آیا، اشخاص کا تذکرہ آیا، ویسے ہی شرح صدر بھی مجرد نہیں ہے۔ یعنی
जो काफिर अपने सीने को कुफर से खोल दे, कुफर क्या चीज है? कुफर क्या चीज है? मुजर्रद कुफर क्या चीज है? कोई वेव है, कोई मौज है, कोई माता या सीरिया है, मुजर्रद कुफर क्या चीज है? कि कुफर अगर सीने पे आ जाए या कुफर से सीना खुल जाए तो तारीकी हो, तन्हा कुफर क्या है? कोई चीज समझ में नहीं आती। काफिर समझ में आता है, कुफर समझ में नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह मुजर्रद ईमान समझ में नहीं आता, क्या है ईमान? तो मोमिन समझ में आता है, ईमान समझ में नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह उम्मत खत्मी मर्तबत अगर कुफर की तरफ जा रही है तो अगर काफिर का अक्स पड़ रहा है सीने में तो शरह सदर है कुफर के साथ, अगर मोमिन का अक्स पड़ रहा है सीने पे तो शरह सदर है ईमान। और ये चौथी आयत और पांचवी आयत वो हज़रत मूसा की दुआ, रब्बी इशरह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे। कुरान मजीद में पांच मकाम पे शरह सदर का तस्करा है, सूरह अनाम, सूरह नहल, सूरह ताहा और उसके बाद वो सूरा जिसको खुद अलम नशरा के मुतल्लिक का, और ये आखिरी आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, ये पांच मकाम पर कुरान मजीद ने शरह सदर का तस्करा किया है। और इस पे कभी धोखा न खाइए कि सीने के खोलने के माने सीना चाक करने के होते हैं। और अगर पहली मर्तबा किसी ने गलती नहीं की तो फिर दूसरी मर्तबा मेराज में भी गलती नहीं करेगा, वरना नबूवत के साथ अगर शरह सदर में सीने को चाक करना पड़ा तो मेराज को ले जाते वक्त भी फिर सीने को चाक करना पड़ेगा। इसीलिए जब उस रिवायत को लिखने वाला मेराज तक पहुंचा तो कहा जिब्राइल आए, उन्होंने दिल को निकाला, उसको खूब धोया, खूब धोया। जाहिर है कि अब जो धोया तो उन्होंने उसको कौसर से धोया, सलसबील से धोया, मुख्तलिफ जन्नत के पानी आए उससे धोया और उसके बाद फिर उसको साफ करके डाल दिया। तो अब मेराज को ले जाने के लिए धोया गया, मेराज नबूवत के साथ ही नहीं है, नबूवत के बहुत बाद है मेराज, मगर नबूवत के साथ ये सूरे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, अलम नशरह लका सदरक, वल दुहा वल्लैल इदा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा कला, ये नबूवत के साथ सूरे हैं, मेराज बहुत बाद में, उससे पहले कसीदे पर कसीदे हैं कि तुम्हारी ये सिफत है, तुम्हारी ये तारीफ है। और सबसे बड़ी तारीफ जो की वो ये कि हमने तुमको खैर कसीर दिया, खैर कसीर की तारीफ पहले सूरे में ये की, वला सौफ युती का रब्बो का फतरजा, इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए, यानी तेरी रजामंदी है हमारी अता का मेयार। बस मैंने गुफ्तगू आज की हद तक खत्म की, इन बातों को याद रखिए इस वास्ते के ये लफ्ज अता पे बहस है, ये इन्ना आतैना कल कौसर के अता क्या है, उसकी अता क्या है और किस तरह से अता कर रहा है। बाकी की दो तकरीरों में हम एक और या दो लफ्जों पे और बहस करना चाहते हैं जो इस सिलसिले में बहुत अहम। पैगंबर को खैर कसीर दिया, बाद मुफस्सरीन ने कहा कि नहीं, चूंकि सूरे का आखिरी हिस्सा यह है कि आपका दुश्मन लाअकब होगा, बेअसर होगा, लावलद होगा, कोई बाकी नहीं रहने वाला होगा उसकी औलाद में, इसलिए कौसर से मुराद कसरत औलाद है, कि हम इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे, बजाहिर दुनिया समझेगी एक ही बेटी है, मगर उसके बाद यह सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, लोग कहते थे पैगंबर के बच्चे नहीं जीते हैं, लोग कहते थे कि पैगंबर को औलाद नहीं होती है, लोग कहते थे कि पैगंबर को सिर्फ अल्लाह ने बेटी दी है, मगर जब बेटी की औलाद आएगी तो फिर उसकी औलाद सारी दुनिया में मोहित हो जाएगी, कौसर बन जाएगी, कौसर बन जाएगी। तो एक तफसीर ये भी की गई कि कसरत औलाद थी,
कसरत खैरात, कसरत इबादात, कसरत औलाद जो भी हो, खैर कसीर पैगंबर को मिला। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मुतालिबा था कि पैगंबर दुआ करो कुर्बानी दो, दुआ करो कुर्बानी दो। कुर्बानियां खत्मी मर्तबत की यकीनन बहुत होंगी, मगर कभी किसी मजमे में, किसी मकाम पर, किसी बोलने वाले ने उन कुर्बानियों का तस्करा नहीं किया, कभी नहीं किया। हमेशा एक ही रुख रहा, वो दूसरा रुख नहीं रहा कि जहां पैगंबर ये कहते थे जो तकलीफ मुझे दी गई किसी नबी को नहीं दी गई, मगर पैगंबर ने कुर्बानी दी। और पैगंबर ने अपने घर की कुर्बानी को अपनी कुर्बानी बना के पेश किया, अपनी औलाद की कुर्बानी को अपनी कुर्बानी बना के पेश किया, और कुर्बानी भी शान से दी, शान से दी कि दुनिया हैरान थी कि जमाने में इतना इनकलाब आ सकता है, इतना इनकलाब आ सकता है। कूफे में ये आखिरी जुमले, कूफे में एक शख्स रिवायत करता है कि मैंने सरे सैयद शोहदा को नैजे पे देखा, नौ के नैजा पर मैंने सरे सैयद शोहदा को देखा। अच्छा, देखने वाला बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, तो उसने कहा कि मैंने हुसैन की जवानी भी देखी थी, मैंने हुसैन का बचपन भी देखा था, मैंने हुसैन के सर को नाना के दोष पर पड़े हुए भी देखा था, और इस तरह से मैंने ये भी देखा कि जब हवा चलती थी तो हवा आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के रीश अकदस को हरकत देती थी, तो कहा क्या इनकलाब है कि जो मोहम्मद के दोष पर सर रहे, मोहम्मद के कांधे पर रहे, मोहम्मद के गर्दन से मस रहे, वो नौ के नैजा पा जाए। मगर उसने फकत नौ के नैजा पर देखा, मगर कभी वही दरख्त दरख्तों की टहनियों, वही सर दरख्तियों की टहनियों से बांधा गया, और वही सर कभी तनूर में डाल दिया गया, वही सर कभी घोड़े के गले से बांध दिया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युन क़ल्बुन ग़ल्बुन।